हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है द हाई कोर्ट एट कोलकाता की तरफ से, आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। इसमें आपकी जो लोअर डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। तो 291 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके यहाँ पर जारी की गई है, जिसको आप नोटिफिकेशन में यहाँ चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी डिवाइड की हुई है, इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपके यहाँ लेवल 6 रहने वाली है और 12th पास आप यहाँ होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके 28 से 40 ईयर आपकी जो यहाँ एज लिमिट है आपको यहाँ बताई हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो एज है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज है काउंट की जाए। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। इसकी ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आ गए हैं। 5/8/2024 से आप 26/8/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री है कर देंगे। इसकी एंट्री करने के बाद अगर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल के आप निवासी हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो आप नो करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ अनरिजर्व से ही आप काउंट होंगे। आपको अपनी जो सब कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। और अगर आप वेस्ट बंगाल के निवासी हैं तो आपको इस कंडीशन में आपको जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो सब कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ आपकी जो सर्टिफिकेट इशू है वो आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप एंटर कर लेंगे। आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो उसकी डिटेल डालेंगे। आप यहाँ वेस्ट बंगाल के निवासी हैं तो आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है रीड राइट एंड स्पीक आपको करनी आनी चाहिए, आपको यस करना होगा। इसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस है आप कर लेंगे। इसके बाद आपका जो जेंडर है जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके ईमेल एड्रेस की एंट्री करेंगे, कन्फर्म आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करने के बाद आपको कैप्चा को भरना है और सबमिट प्रोसीड टू एप्लीकेशन लॉगिंग पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक्टिव है लॉगिंग करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आपको मिला है आपकी ईमेल पर आपके मोबाइल पर उसको आपको एंटर करना होगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको दी है वो डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग आप हो जाएंगे। लॉगिंग करने के बाद आपको अपनी जो भी अदर डिटेल है जैसे कि आपका जो फादर नेम है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। हम ये डाटा सिर्फ सैंपल के तौर पर डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके मदर नेम की एंट्री आप करेंगे। इसके बाद आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो 10th है तो 10th आपने किस ईयर में आपने पास करी थी। आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड का नेम है जिस आपने बोर्ड से यहाँ 10th पास करी है उसकी आप जानकारी यहाँ देंगे। इसके बाद आपके जो भी यहाँ ऑप्टेन मार्क्स हैं टोटल मार्क्स हैं एंट्री करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ 12th में आपकी पासिंग ईयर है, आपका बोर्ड का नाम है, आपके जो भी यहाँ टोटल मार्क्स हैं ऑप्टेन मार्क्स हैं और परसेंटेज है उनकी आप यहाँ एंट्री है वो कर देंगे। सारी डिटेल आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो जॉन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी यहाँ जॉन है तो वो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अपना जो यहाँ पे जॉन है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपको जो प्रेफरेंस है 3 प्रेफरेंस आपको दी हुई है, अपने अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ आपका जो डोमेंसल आपकी जो आईडी है यहाँ पे, तो आपकी जो भी यहाँ आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद जब आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। कोई भी कोमा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, सीधे ही आपको पूरी जो भी आपका एड्रेस है फुल एड्रेस को आपको एंटर करेंगे। आपका जो भी यहाँ स्टेट है तो उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पर आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। इसको कंप्यूटर की नॉलेज है आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा, तो यस आपको यहाँ करना होगा। आपका गवर्नमेंट स्टेट या यहाँ पे अदर स्टेट में आप वर्क करते हैं यस नो आप करेंगे। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है आप यस नो करेंगे। आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे
कन्वर्ट एनी ऑफिसर में है तो यस नो आप करेंगे, डिटेल आप भरेंगे और उसके बाद सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड यहाँ करना होगा। तो आपका जो भी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करना होगा। आपकी जो फ़ोटो की साइज है 50 KB में, सिग्नेचर है वो आपको 25 KB में अपलोड करने होंगे। इसके आपका जो यहाँ पे आपका जो बर्थ आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आप यहाँ पे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपकी जो टेंथ की आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर देंगे। आपकी जो यहाँ पे वोटर आईडी है वो आप हमें अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ आधार कार्ड है उसको अपलोड करेंगे और आपका यहाँ क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है 12th का वो आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको दे के रखी है। तो रिक्वायर्ड सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ अपलोड करना है, ब्राउजर पे जाना है, इन्हें अपलोड आप यहाँ कर देंगे। अपलोड करने के बाद सभी को एक बार चेक कर लेना है, इसके बाद सेव आपको यहाँ करना होगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सेव जब आप कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई गलती लगती है, आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म कर देना होगा। कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक जो न्यू पेज है वो आपके सामने कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे पहले आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है कि इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल है वो आपको एक बार आपको फॉर्म भरने से पहले इसको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है। बाद ही आपको यहाँ कंफर्म करके और आपको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको अपनी जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है, प्रोफाइल है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोसेस पेमेंट पे आपको देखने के बाद कंप्लीट करना होगा। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल है तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ जो आपकी नेट बैंकिंग है उससे करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ जो डिटेल है कार्ड की वो आप भरेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो आप ATM से यहाँ जो अपना पेमेंट है वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो आप जिस भी आप यहाँ पे तरीके से आपका जो पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट है वो आप जमा करवा देंगे, आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, आपके कार्ड की डिटेल भरेंगे, पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका यहाँ जमा हो जाएगा। जब आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के आपको रख लेना है। इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।